हेलो गाइस, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। तो आज बेसिकली इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 9 जो हमारा क्लास 10th का, विच इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये उसका पार्ट 1 है और इसमें हम देखेंगे लाइट के बारे में और मेनली जो हम समझेंगे वो रिफ्लेक्शन के बारे में समझेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर 9 है, इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें कि इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। देन चैप्टर, इसी चैप्टर का पार्ट 3 आएगा जिसमें रिफ्रैक्शन होगा, और पार्ट 4 जिसमें कि उसके क्वेश्चन होंगे रिफ्रैक्शन। तो पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन से। सबसे पहले चैप्टर 9 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि लाइट क्या होता है, कि लाइट क्या होता है। तो आपको पता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें देखने में मदद करती है, हमें हेल्प करती है देखने में। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है? फर्स्ट, इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विच मीन्स कि ये इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉपर्टी शो कर सकता है और मैग्नेटिज्म की भी प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर? और इसे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रैवल करने के लिए। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हमें कोई ना कोई व्हीकल चाहिए होता है, पैर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बट लाइट को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। वो वैक्यूम, यानी कि जहां हवा भी नहीं है, एयर भी नहीं है, वहां भी ट्रैवल कर सकती है। क्लियर है? सेकंड, लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है? देन इट हैज ड्यूअल नेचर। इट हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब क्या? कि ये रे की तरह भी एक्ट करता है, यानी वेव की तरह, और पार्टिकल्स की तरह भी। क्लियर है? वेव और पार्टिकल्स दोनों की तरह। बाकी कैसे, वो नेक्स्ट क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में आपको यहाँ ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बस याद रखना ड्यूअल नेचर होता है पार्टिकल और वेव। लाइट का शेडो, आपको पता है जो हमारी परछाई बनती है, शेडो बनती है, वो किसकी वजह से? लाइट की वजह से। लाइट नहीं तो शेडो नहीं। देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, यानी ऐसी जगह जहाँ पे एयर है या फिर सिर्फ वैक्यूम है, तो वहाँ स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आगे बढ़ते। अब व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो वो दो फिनोमेना शो करती है, एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन। एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन। सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट व्हेन इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस। जब किसी पॉलिश्ड सरफेस पे, मान के चलो एक मिरर है, प्लेन मिरर, जिसको पीछे से पॉलिश किया, जब इस पे कोई रे इंसिडेंट होती है, यानी आती है, तो वो टकराने के बाद वापस चले जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक। क्लियर? वहीं रिफ्रैक्शन क्या होता है? कि कोई लाइट आई एक मीडियम जैसे कि एयर और दूसरे मीडियम में गई वाटर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसका पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, इसी चीज को बोल देते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर है? अब जो मेनली इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो इसको पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट पार्ट जो आएंगे उसमें रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। पहले भी रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट व्हेन इट इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस। द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट व्हेन इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस। जब एक पॉलिश्ड सरफेस पे लाइट आती है तो जो बाउंस बैक कर जाती है तो उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? सबसे पहला, ये एक प्लेन मिरर है जो कि पॉलिश्ड हो रखा है, इस पे एक रे आई, ये आ रही है, तो जो रे आती है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे।
टकराने के बाद जो जा रही है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जो इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है इसे बोलते हैं नॉर्मल। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन, एक ही जगह पे एक ही प्लेन पे आ रहे हैं। तो तीनों कौन कौन, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों। सेकेंड लॉ क्या कहते हैं कि देखो ये नॉर्मल है, जब इंसिडेंट रे आई तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है जिसे बोलते हैं एंगल आई, एंगल आई विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम जब ये रिफ्लेक्टेड रे जाती है तो ये भी नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं, इसे बोलते हैं एंगल आर विच इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा ये कहता है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। क्लियर रहेगा, इंपॉर्टेंट है इसे याद रखना। अब जो हमारे मिरर होते हैं वो दो टाइप्स की इमेज बनाते हैं, जो हमारे मिरर होते हैं बेसिकली वो दो टाइप की इमेज बनाते हैं, एक बनाते हैं रियल इमेज, एक बनाते हैं वर्चुअल इमेज, एक बनाते हैं रियल इमेज, एक बनाते हैं वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज में क्या होता है, ये तब बनती है जब लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है, और वर्चुअल जब एक्चुअल मीट नहीं कर रही बट हमें दिख रही है मीट होते हुए। जैसे मान के चलो ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा सीधा टकरा के वापस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ आया, जिस एंगल पे आया उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट। अब ये दोनों लाइट रेज कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, बट इमेज तो फॉर्म होते हुए दिखते, किस साइड, दूसरी साइड। क्या सच में यहाँ पे लाइट रेज मीट हुई है? नहीं, यहाँ बस अपीयर हो रही है, तो इसे बोलेंगे वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। अब रियल का होती जिसमें सच में मिल रही हो, जैसे अभी हम पढ़ेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स, उसमें समझ आएगा आपको और अच्छा। जैसे ये लाइट यहाँ ऑब्जेक्ट का पैरेलल आया यहाँ, और यहाँ से गया और यहाँ, यहाँ सच में मीट हो रही है, ये समझेंगे कैसे, इनेक्स है कॉनकेव कॉन्वेक्स। अच्छा, यहाँ सच में मिल रही है तो ये हो जाता है रियल इमेज। क्लियर रहेगा हमेशा? क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज ये कब बनती है? रियल बनती है जब सच में मीट हो रहा हो, वर्चुअल बनती है जब हमें अपीयर हो रहा हो मीट होकर। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो अभी मैंने आपको बताया था, तो कैसे होते हैं इमेज फॉर्मेशन समझना। सबसे पहले देख रहे हो ये क्या, एक प्लेन मिरर टाइप सा है, इसके लेफ्ट साइड में ये जो रखा है ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट आई, सीधा टकराई, जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल पे वापस चली गई, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट आई यहाँ, एंगल आई पे आई थी, एंगल आर पे चली आ गई, दोनों इक्वल है। अब ये लाइट रेज यहाँ जा रही है, कभी मीट नहीं करेंगी, बट ये मीट करते हुए दिखती हैं इस साइड। तो आप देख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या हुए, क्या सच में इमेज यहाँ सच में लाइट रेज मीट कर रही है? नहीं, और नहीं मीट करती तो मैंने अभी बताया था वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ हमेशा कैसे आता है, इरेक्ट। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड था, इमेज भी ऊपर की साइड बनी, तो इरेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज नीचे बन जाए तो इसे बोल देते हैं इनवर्टेड, यानी उल्टा। क्लियर रहेगी ये बात? ठीक है। अच्छा, आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट का साइज जितना है इमेज का भी उतना ही बना, ऑब्जेक्ट जितनी दूर है इमेज भी उतनी ही दूर बनी। अच्छा, अब यहां एक चीज आ रही है, वर्ड लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड या लेटरल इन्वर्जन का मतलब समझना बच्चा। आपने देखा है जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हमारा राइट मिरर में लेफ्ट, हमारा लेफ्ट मिरर में राइट, मतलब क्या इसका? अपेरेंट रिवर्सल ऑफ अ मिरर इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। अब इनका यूज कहाँ होता है, यानी राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हम क्यों करते हैं, कहाँ यूज होता है? तो आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस वगैरह होती है उनके ऊपर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, क्यों? ताकि जो आगे गाड़ी चला रहा है उसके रेयर व्यू मिरर में वो क्या दिखे, सीधा, और वो उसे क्या दे सके, साइड। तो लेटरल इन्वर्जन या लेटरली इन्वर्टेड आपको समझ आ गया होगा। आगे समझते हैं,
आगे अब समझेंगे हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में. किन के बारे में? स्फेरिकल मिरर्स के बारे में. अब स्फेरिकल मिरर्स को समझने से पहले एक बार आप ये देखिएगा, ये है एक स्फेरिकल मिरर, ये एक स्फेरिकल मिरर है, ये एक स्फेयर है, इसे बीच से काट दिया गया है, ठीक है. अच्छा, और जो काटा है उसके बाद यहां से पॉलिश कर दिया. तो ये जहां से स्टार्ट हो रहा है, M से लेकर N तक, इस पूरे को बोला जाता है अपर्चर. क्या कहा जाता है? अपर्चर. क्लियर है? यानी अपर्चर क्या है? लेंथ ऑफ अ मिरर, ठीक है. अब बात आती है इसका हाफ, यानी अपर्चर को जब हाफ कर दो, मिड पॉइंट, उसे बोल देते हैं पोल. क्या बोल देते हैं? पोल. क्लियर है? उसके बाद कुछ चीजें समझना. जो इस पूरे स्फेयर का सेंटर होता है वही इस मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वही इस मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. जैसे सी से बोलते, तो यही बोले ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी. अच्छा ठीक है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? पोल से लेकर सी तक के, तो बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस. द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है. अच्छा, अगर इसका हाफ कर दूं तो यहां पे आता है एक पॉइंट एफ. क्या आता है? एफ, जिसे बोलते हैं फोकस. क्या बोलते हैं? फोकस. अच्छा, पी से लेकर एफ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ. क्लियर रहेगा ये सारा? प्रिंसिपल एक्सिस बीच में से जा रही है. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है. क्लियर रहेगी ये बात? ठीक है. अच्छा, एक चीज याद रखना कि जो हमारा आर होता है वो हमेशा एफ का दुगना होता है. आर इज यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर. अगर फोकल लेंथ को डबल कर दिया, जैसे फोकल लेंथ 5 बोलिए तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5 टू जा 10. अगर 10 बोलिए तो 20. क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं. हमारे दो टाइप के स्फेरिकल मिरर है जो हमें मेनली पढ़ रहे हैं. दो टाइप के मेनली स्फेरिकल मिरर है जो हमें पढ़ने हैं. एक है हमारा कॉनकेव और एक है कॉनवेक्स. तो कॉनकेव, केव में ही आप समझ रहे हो, केव यानी गुफा, यानी जो अंदर की तरफ कर्व्ड हो रखा है. तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से टकरा के लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो इनवर्ड कर्व्ड होता है, अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, देख रहे हो आप. वहीं कॉनवेक्स में कैसा होता है? आउटवर्ड कर्व्ड होता है, जिस पर टकराएगी वो कैसा है? आउटवर्ड कर्व. क्लियर रहेगा? अच्छा, कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कन्वर्जिंग. कन्वर्जिंग का मतलब क्या? कि जितनी भी रे लाइट्स आती है उनको इकट्ठा करता है, कन्वर्ज कर लेता है. क्लियर रहेगी? वहीं अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स की, तो ये होता है डाइवर्जिंग मिरर. जो भी रे लाइट आ रही है इनको डाइवर्ज कर देता है, स्कैटर करके फैला देता है. क्लियर रहेगी ये बात? ठीक है, आगे समझते हैं. सो नेक्स्ट अब देख लेते हैं. तो नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है. तो उस इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें सबसे पहले कोई रूल्स देखने होंगे. तो क्या है? रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर. तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर का देखेंगे. तो पहला रूल क्या कहता है समझना, कि ये कॉनकेव मिरर है, इसके बीच से जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, इसके हाथ में फोकस और सेट. तो पहला रूल ये कहता है कि अ रे ऑफ लाइट रनिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही तो टकरा के कहां से पास होगी? फोकस से. कहां से? फोकस से. पहला रूल तो ये कहता है. अब दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि यही सेम कॉनकेवी, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है, पहले पैरेलल आ रही थी अब फोकस से आ रही है, तो टकरा के कैसे चले जाएगी? पैरेलल. यानी उल्टा है, पहले पैरेलल आ रही थी तो टकरा के फोकस से, अब फोकस से आ रही है तो टकरा के पैरेलल. क्लियर रहेगी?
ठीक है। थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, सिंपल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो टकरा के वापस उसी पे चले जाएगी, सिंपल रूल। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट सिंपल, कि अगर पोल पे गिर रही है, किस पे, पोल पे आ रहा है, तो जिस एंगल पे आया है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा, यानी एंगल आई विल इक्वल्स टू एंगल आर, यानी अगर 30 डिग्री इंसिडेंट है तो 30 डिग्री ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गए बच्चा क्या रूल्स। अब है जब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रखा जाएगा तो इमेज कैसी फॉर्म होगी उसको समझेंगे। तो अब है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, सबसे पहला जैसे मान के चलो ये कॉनकेव मिरर है, यही मैंने यहां बनाया, कॉनकेव मिरर है, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ये हो गया पी। बोला कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, कहां रखा है, इंफिनिटी पे, मान लिया इंफिनिटी पे कहीं रखा। तो सबसे पहला रूल क्या, पैरेलल आई फोकस से पास, नीचे से पैरेलल आई फोकस से पास। और मैंने आपको बताया था जहां दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर जाए वहीं पे हमारी इमेज बन जाती है। यहां कहां मीट कर रही है, एट एफ। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुई, एट एफ। साइज कैसे आप देख रहे हो, पॉइंट साइज। अच्छा, क्या सच में मीट कर रही है, तो हाँ, दो लाइट रेज सच में मीट कर रही है, दिख तो नहीं रही बस सच में हो रही है, तो यह है रियल। और रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इनवर्टेड। क्या आता है, इनवर्टेड। क्लियर रहेगी ये बात, ये तो हो गया पहला। अब दूसरा देखते हैं, पहले रखा था इन्फिनिटी पे, अब आ जाएगा आगे, यानी कि बियॉन्ड सी। अब सी, बियॉन्ड सी रख दिया, तो ये है बियॉन्ड सी। सबसे पहला वही पैरेलल आया, और कहां से पास किएगा, फोकस से पास कर गया। क्लियर। दूसरा का, अब दूसरा लॉ कहता था कि फोकस से जाएगा तो टकरा के कैसे चले जाएगा, पैरेलल। तो आप देख सकते हो कि लाइट रे कहां मीट करी, यहां। तो सेम पोजीशन कहां है, बिटवीन सी एंड एफ। साइज कैसा है, इसके मुकाबले आप देख रहे हो छोटा है, तो इसे बोल देंगे डिमिनिश्ड। कैसा है, डिमिनिश्ड। और सच में मीट कर रही है लाइट रेस, तो यह है रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा बना हुआ है। क्लियर, ये हो गया सेकेंड। अब पहले इन्फिनिटी थी, फिर आ गई बियॉन्ड सी, अब आ जाएगी एट सी। अब कहां जाएगी, एट सी। तो एट सी पे देखते हैं, अब है ऑब्जेक्ट एट सी, तो ये सी पे रखा हुआ है, पैरेलल गया, टकराने के बाद फोकस से पास। दूसरा फोकस से गया और टकराने के बाद पैरेलल, तो दोनों कहां मिल जाते, दोबारा सी पे ही, बट नीचे की साइड। तो पोजीशन कहां बनी, एट सी। साइज क्या रहेगा, सेम। और नेचर, रियल इन्वर्टेड, सच में मीट कर रही है और उल्टी, तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो सबसे पहले इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, अब एट सी, अब कहां जाएगा, उसके आगे देखो, बिटवीन सी एंड एफ रख देते। अब आगे है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ यहां रख दिया मैंने, बिटवीन सी एंड एफ जब रखा तो सबसे पहले गया पैरेलल, टकरा के आ गया फोकस। क्लियर है? अच्छा, दूसरा इस तरीके से जाता है कि सी पे जाएगा और सी से ही वापस आ जाएगा, सी पे जा रहा है और सी पे ही वापस आ जा रहा है। क्लियर है? अब दोनों कहां मीट कर रहे हैं, तो देख रहे हो बियॉन्ड सी, सी के पीछे। अब यहां से आपको कुछ याद आ रहा होगा, जब ऑब्जेक्ट रखा था बियॉन्ड सी तो इमेज कहां बन रही थी, बिटवीन सी एंड एफ। अब मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी। तो कहां बन रही है इमेज, बियॉन्ड सी। साइज कैसा है, इसके मुकाबले बड़ा, यानी एनलार्ज्ड। और सच में मीट कर रही है, यानी रियल, रियल के साथ हमेशा इनवर्टेड। क्लियर है? तो सबसे पहले इंफिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, अब एट एफ। तो एट एफ का देख लेते हैं, अब ऑब्जेक्ट रख दिया एट एफ, तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि पैरेलल गया फोकस से पास, दूसरा सी से गया सी से। क्या ये दोनों कभी भी आपस में मिलेंगे,
इन्फिनिटी पे कहीं जाके मिल रहे हैं, इन्फिनिटी पे कहीं जाकर मिल रहे हैं। अब यहाँ से फिर याद आ रहा होगा, जब ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी पे, इमेज बनी थी एफ पे, अब ऑब्जेक्ट रखा है एफ पे, इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे, तो पोजिशन ऑफ इमेज इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इनलार्ज होगा, हमें नहीं पता कहाँ, तो हाईली इनलार्ज, और सच में मीट करेगा, सेम साइड है तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, रियल याद रखने का एक और तरीका है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है सेम साइड इमेज बन जाए, जैसे ऑब्जेक्ट रखा है लेफ्ट और इमेज भी बन जाए लेफ्ट इसी साइड, तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ये भी एक याद करने का तरीका है, क्लियर रहेगी? तो ऑब्जेक्ट एफ पे था तो भी क्लियर, डन है। अब आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, जैसे इसको इधर देखना अलग से, ये है पी और ये है एफ, तो यहां रखा है ऑब्जेक्ट कहीं जैसे इसमें, तो पहला क्या कि पैरेलल जाके फोकस से तो जा नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट कट जाएगा, तो क्या होता है पोल पे गया, जिस एंगल पे आया है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, चलो कर गया। दूसरा क्या, यहां बन गया सी, अब सी से सीधा गया और सी पे ही वापस आ जाएगा। अब ये यहां कहीं नहीं मिल रहे बट ये हमें अपीयर होते हैं पीछे मीट होते हुए, अपीयर होते हैं पीछे मीट होते, जैसे यहां मीट कर रहे हैं, क्लियर है? तो पोजीशन अगर आपसे पूछे तो यहां कहां बताओगे, बिहाइंड द मिरर। साइज आप देख सकते हो, ये इतना सा, ये इतना, तो एनलार्ज्ड। और नेचर क्या, सच में वहां पे मीट हो रही है? नहीं, तो मैंने आपको बताया जब सच में मीट नहीं हो रही बस अपीयर हो रही होती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहां पे कॉनकेव की सारी इमेज फॉर्मेशन खत्म हो गई। अब कॉनकेव के यूजेस क्या होते हैं उनको समझ लेंगे, कॉनकेव के यूजेस क्या होते हैं। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, सबसे पहला आपने देखा था जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट इन्फिनिटी पे बहुत दूर है, तो जब वहां से लाइट रेज आएंगी पैरेलल तो वो सारी कैसी इकट्ठी हो जाएंगी एट एफ यानी फोकस पे, तो सोलर पैनल्स में इनका, सोलर हीटर्स में यूज होता है, दे आर यूज्ड इन सोलर हीटर टू कंसंट्रेट सन रेज टुवर्ड्स द फूड इन अ कंटेनर टू बी हीटेड, सेम एनर्जी बनाने के लिए सोलर कुकर्स में, इसलिए पैरेलल आती है, इकट्ठा किया एक जगह पे हीट प्रोवाइड होगा। दूसरा डेंटिस्ट इसका, इसलिए ज्यादातर आपने देखा कई बार एनलार्ज्ड इमेज बनती है जब पास में रखा जाए, बिटवीन पी एंड एफ देखा था, जब पास एकदम ऑब्जेक्ट मिरर के तो एनलार्ज्ड बनती है, तो डेंटिस्ट हमारा यूज करते हैं ताकि टूथ में डिकेज वगैरह जो खराबियां हैं उनको बड़ा देख सकते, इमेज को बड़ा देख सकते। अच्छा, फिर शेविंग मिरर उनमें यूज होता है क्योंकि हमें क्या चाहिए कि चेहरा बड़ा दिखे ताकि कटवट ना, मेकअप मिरर्स उनमें यूज होता है, ठीक है। बाकी ये टॉर्च में यूज आता है, सर्च लाइट, व्हीकल्स हेडलाइट, इन सब में यूज होता है। रीजन, पावरफुल पैरेलल बीम्स निकल रही होती है, बहुत दूर तक हमें लाइट जाती है, बहुत दूर तक जाती है, पावरफुल पैरेलल बीम्स निकल रही होते हैं, इसीलिए हम इसका यूज कर लेते हैं, क्लियर है? तो ये था यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमने समझ लेते रूल्स किसके, कॉनकेव के, अब किसके रूल समझेंगे, कॉन्वेक्स के। पहला रूल सेम, पहले तो मिरर हमारा अब कैसा हो जाता है, डाइवर्जिंग यानी डाइवर्ज करेगा। अच्छा, इसमें याद रखना, इसमें एफ और सी दोनों राइट साइड में होता है, उल्टी साइड में होता है, क्लियर है? तो सबसे पहला रूल वही कि पैरेलल आ रही है तो डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज कर दिया, बट इस तरीके से डाइवर्ज करेगा कि ये कहां मीट होते हुए दिखेगी, एट एफ, पहला रूल ये होता है। अच्छा, अब दूसरा रूल क्या है, सेम उसका जो रूल था, क्या कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है कि वो कहां पे इंसिडेंट है, फोकस पे, तो वो टकरा के पैरेलल चले जाएगी, क्योंकि क्या है, डाइवर्जिंग मिरर, क्लियर है? सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है, सेम जो उसमें कहता था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से इंसिडेंट है कि सी पे आ रही है तो वापस टकरा के चली जाएगी, थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर
पोल पे आ रही है तो जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे चली जाएगी. एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. ये तो थे रूल्स. अब हम समझेंगे इमेज फॉर्मेशन. जैसे कॉनकेव की समझे थे कि इन्फिनिटी पे क्या, उस तरीके से अब है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे. ठीक है, कैसे आया? पैरेलल आया, इन्फिनिटी पे रखा था, डाइवर्ज कर जाएगा. बोले कॉन्वेक्स कैसे है? डाइवर्जिंग मिरर है. बट इस तरीके से डाइवर्ज करता है पैरेलल आने पे कि कहाँ मीट करे? फोकस पे. तो हमारा इमेज कहाँ बनेगी? एट एफ. साइज क्या रहेगा? पॉइंट साइज. बट नेचर कैसा रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. रीजन, क्योंकि सच में यहाँ मीट नहीं कर रही, सच में तो डाइवर्ज होकर अलग चले गए, बट अपीयर हो रही है यहाँ मीट होते हुए. क्लियर है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. आगे देखते हैं. अच्छा, अब उसमें मैं रखता था बियॉन्ड सी, एट सी. यहाँ तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो अब कहाँ रखूंगा? बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी. कहीं भी रखो, सेम इमेज बनेगी. तो बस नेक्स्ट पोजिशन क्या हुई? बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी तो रख दिया. बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी कहीं भी रखा. सबसे पहले पैरेलल आई इस तरीके से कि कहाँ से जाएगी? फोकस से. फोकस से चली गई. दूसरा, इस तरीके से आ रही है कि सी पे आई है और सी पे ही वापस चली गई. तो कहाँ मीट करी? यहाँ पे, बिटवीन पी एंड एफ. तो पोजिशन ऑफ इमेज इज बिटवीन पी एंड एफ. साइज इज डिमिनिस्ड, नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. क्लियर? सच में तो वहाँ मीट नहीं कर रही. क्लियर है? तो ये था इमेज फॉर्मेशन. उसमें छः थे, इसमें सिर्फ दो हैं. क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. यूजेस क्या होते हैं कॉन्वेक्स के, समझना. सबसे पहला, मैग्निफिकेशन के लिए यूज होता है, किसी चीज को बड़ा देखने के लिए. ठीक है, सनग्लासेस में यूज होता है ताकि डाइवर्ज कर दे, पड़े और बाहर चले जाए. ठीक है, दूसरा, ऑटोमोबाइल्स में रेयर व्यू मिरर में यूज होता है. क्यों? ताकि छोटी इमेज दिखा सके और बड़ा वाइडर व्यू ले सके, इस वजह से यूज होता है. एटीएम्स वगैरह और सिक्योरिटी कैमराज में यूज, सिक्योरिटी मिरर्स में यूज होता है. जो शॉप वगैरह में आपने देखा है कि लाला एक गले पे बैठा है, बगल में एक क्या लगा है? शीशा, मिरर लगा है. अब उस मिरर में कहीं दूर तक की चीज़ें दिख जाती है अगर कुछ हो रही होता है, वो सिक्योरिटी मिरर्स होते हैं. ठीक है, स्ट्रीट लाइट पे रिफ्लेक्टर्स, ये आपने देखे होंगे, मेट्रो वगैरह में भी दिखते हैं. जहाँ शार्प कट होते हैं आपके पहाड़ों पर, तो आप एकदम से गाड़ी मोड़ते हो, आपको दिख नहीं रहा आगे से कौन आ रहा, तो वो यहाँ इसमें दिख जाता है. क्लियर है ये यूजेस? आई होप क्लियर होंगे. आगे समझते हैं. आगे फिर आता है आपका साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन को समझना. जैसे कि आपका एक ग्राफ होता है, साइन कन्वेंशन बिल्कुल उसी तरीके से. राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, अपर साइड पे पॉजिटिव, लोअर साइड पे नेगेटिव. बस सिंपल सा इतना है. सेम मिरर में भी ऐसे, अगर पोल से राइट साइड कोई डिस्टेंस है तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव, और अगर पोल से लेफ्ट साइड कोई डिस्टेंस है तो उसे बोलेंगे नेगेटिव. अगर पोल से ऊपर की साइड कोई हाइट है तो पॉजिटिव, और नीचे की साइड कोई हाइट है तो नेगेटिव. बस इतना याद रखना है. ये होता है साइन कन्वेंशन. तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा हमारा किस साइड रखा होता है? लेफ्ट साइड में. तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? नेगेटिव. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा. किस तरीके से, उसे आगे समझते हैं. तो ये हमारा एक मिरर फॉर्मूला है. क्या बोलता है? 1 by F is equals to 1 by V plus 1 by U. F क्या है? बताया हुआ है, फोकल लेंथ. V क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज. और U क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लियर है? तो आपको पता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा किस में रहेगा? नेगेटिव, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो. ठीक है, कॉनकेव में आपको पता है फोकस किस साइड होता है? लेफ्ट साइड. तो कॉनकेव में एफ क्या होगा? नेगेटिव. और कॉन्वेक्स में एफ क्या होगा?
पॉजिटिव, तो ये याद रखना बस, V आपका डिपेंड करता है कि कहाँ रखा गया है, क्लियर है, साइन कन्वेंशन याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को जब रेशियो निकाला जाए, मान के चलो ऑब्जेक्ट छोटा था और हाइट बड़ी बन गई, तो मैग्नीफाइड हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया, और अगर हाइट छोटी थी ऑब्जेक्ट इमेज और छोटा हो गया, यानी ऑब्जेक्ट छोटा था इमेज बड़ी बनी तो मैग्नीफाइड ज्यादा हो गया। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट छोटा था और इमेज और छोटी हो गई तो कम मैग्नीफाइड हुआ, बहुत कम हो गया, तो इसी मैग्नीफिकेशन रेशियो कितना आता है उसी चीज को, तो मैग्नीफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज एच आई अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एच आई होता है हाइट ऑफ इमेज, एच ओ होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या दूसरा फॉर्मूला भी होता है एक, माइनस वी अपॉन में यू। वी आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, यू आपको पता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है। तो यही हमारा था इस पूरे में। अब नेक्स्ट जो हम समझेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो में हम करेंगे, वो करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, जो 1/f = 1/v + 1/u या ये मैग्निफिकेशन वाले किस तरीके से होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो समझेंगे रिफ्लेक्शन, क्लियर है।